श्रद्धा हत्याकांड में हर रोज हो रहे नए खुलासे। मुंबई पहुंची दिल्ली पुलिस की टीम। वसई से आफताब का परिवार लापता। क्या श्रद्धा की हत्या की थी जानकारी? श्रद्धा हत्याकांड में हर दिन चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इस केस की जांच के सिलसिले में अब दिल्ली पुलिस की एक टीम मुंबई के उस इलाके पहुंची जहां आरोपी आफताब अमीन पूनावाला अपने परिवार के साथ रहता था। दिल्ली पुलिस पालघर जिले के वसई इलाके की यूनिक पार्क हाउसिंग सोसाइटी पहुंची जहां पता चला कि आफताब का पूरा परिवार फिलहाल लापता है। बताया जा रहा है कि श्रद्धा की हत्या के बाद से ही पूरी फैमिली गायब है। इसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम ने पालघर जिले के वसई इलाके की यूनिक पार्क हाउसिंग सोसाइटी के सचिव अब्दुल्ला खान का बयान दर्ज किया है। पुलिस के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने अब्दुल्ला खान से एक घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की और श्रद्धा हत्याकांड के संबंध में उनका बयान दर्ज किया गया है। खान ने अपने बयान में पुलिस को बताया कि आफताब के परिवार ने करीब 20 दिन पहले अपना घर खाली कर दिया था और उसे किराए पर दे रखा है। उन्होंने बताया कि हालांकि उन्हें इस बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है कि अब आफताब का परिवार कहाँ रहता है और वो कहाँ गया। उन्होंने कहा कि उसके परिवार का फोन नंबर भी बंद पड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने अब इस पूरे हत्याकांड के सिलसिले में श्रद्धा और आफताब के दोस्तों और रिश्तेदारों सहित कई लोगों को बुलाया है और उनके बयान भी दर्ज किए गए हैं। कहा गया है कि आरोपी आफताब श्रद्धा के साथ मुंबई के कई इलाके जैसे कि केनी अपार्टमेंट, फ्रीगल अपार्टमेंट और व्हाइट हिल्स अपार्टमेंट सहित 3 अपार्टमेंट में रह चुका है। दिल्ली पुलिस की टीम अब मुंबई में भी उस 5-स्टार होटल के कर्मचारियों से भी पूछताछ करेगी जहां श्रद्धा की लाश के 35 टुकड़े करने वाला हत्यारा आफताब पूनावाला ट्रेनी शेफ के तौर पर काम करता था। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में अब तक कुल 6 लोगों के बयान दर्ज किए हैं जिसमें श्रद्धा के करीबी दोस्त लक्ष्मण नादर और उस फ्लैट के मालिक राहुल गॉडविन शामिल हैं जहां श्रद्धा और आफताब दिल्ली जाने से पहले रहते थे। गौरतलब है कि आफताब अमीन पूनावाला ने अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा वॉकर की कथित तौर पर गला दबाकर हत्या कर दी थी और उसके शरीर को 35 टुकड़ों में काट कर दिल्ली के मेहरोली के जंगल में फेंक दिया था। दिल्ली पुलिस ने पिछले हफ्ते ही श्रद्धा के पिता की शिकायत पर 6 महीने पुराने इस हत्याकांड का खुलासा किया और आफताब अमीन पूनावाला को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल आफताब अभी पुलिस रिमांड पर है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।